हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज फिर मैं लेके आई हूँ टेट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड जानकारी। आज हम मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड और जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तीन क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में जो आएंगे 63 to 65, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो इस पैराग्राफ पर बेस्ड होंगे। सो पैराग्राफ है, गिवन आर रिस्पॉन्सेज ऑफ 7 to 8 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन आफ्टर दे हैव ऑब्जर्व्ड एन एक्सपेरिमेंट डन बाई द टीचर इन विच वॉटर इन अ बाउल इज हीटेड एंड इट हैज एवेपोरेटेड। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 साल के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। वाटर हैज डिसअपियर्ड, पानी गुम हो गया। द बाउल हैज एब्जॉर्ब द वाटर, कटोरे ने पानी को सोख लिया। द फायर ड्रैंक द वाटर, आग ने पानी पी लिया। गॉड ड्रैंक द वाटर, भगवान ने पानी पी लिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू दीज रिस्पॉन्सेज टेल अस अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर थिंकिंग। ये जो उत्तर, ये जो 4 उत्तर बच्चों ने दिए हैं वो बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 4 ऑप्शन क्या बताता है ये जो बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो ऑप्शन 1 है, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज आर इलॉजिकल, कि ये जो आंसर है वो बच्चों के जो है वो इलॉजिकल है, उनकी थिंकिंग इनकरेक्ट है, सोच गलत है। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक अ गुड ऑब्जर्वेशन, ये जो आंसर देख के बता रहे हैं ये आंसर कि भाई उनके ऑब्जर्वेशंस गलत हैं, वो एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं है। एंड चिल्ड्रन हैव अल्टरनेटिव आइडियाज अबाउट एवेपोरेशन, या वाष्पीकरण के बारे में उनके पास कोई दूसरे विचार हैं। तो इलॉजिकल, हम किसी बच्चे की सोच को या थिंकिंग को गलत नहीं बता सकते, या एक वो अच्छे ऑब्जर्वर नहीं है। क्या पता आपने जो आपके समझ के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशंस है वो उनकी दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशंस अलग हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि चिल्ड्रन हैव ऑल्टरनेट आइडियाज अबाउट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन या वाष्पीकरण को लेकर उनके दिमाग में उनके पास कोई दूसरे आइडियाज या दूसरी चीजें हो सकती हैं। आप सिर्फ आंसर के बेस्ड पर उनको इलॉजिकल या फिर थिंकिंग को गलत या एक अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। सो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रन हैव अल्टरनेट आइडियाज अबाउट एवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड द टीचर डील विद दीज रिस्पॉन्सेज। पैराग्राफ वही है, वो जो 4 आंसर दिए थे बच्चों ने, वो रिस्पॉन्स देखकर बच्चों को टीचर को कैसे डील करना चाहिए। ऑप्शन 1 है, शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट, बच्चों को जल चक्र का एक चार्ट दिखाना चाहिए। ऑप्शन 2 इज, गिव द डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज इट। ऑप्शन 3 इज, इनिशिएट अ डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडियाज। एंड ऑप्शन 4 इज, टेल द चिल्ड्रन दैट दे आर रॉन्ग, कि वो गलत है। तो आई थिंक ऑप्शन जो 1 है, सिर्फ चार्ट दिखाने से तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, तो सिर्फ इससे एक अच्छा टीचर इस तरीके से डील नहीं करेगा। सिर्फ डेफिनेशन बता देने से, परिभाषा बता देने से, और फिर उनको कहना कि आप इसको याद रखें, तो वो एक रटने वाली बात हो जाएगी। एक अच्छा टीचर कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा कि समझाया, एक बार डेफिनेशन बताई और लर्न करने को दे दिया। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल ही डिमोटिवेट करने वाली बात है। एक अच्छा टीचर हमेशा प्रोत्साहित करता है, डिमोटिवेट नहीं करता ये कहकर कि आपने गलत आंसर दिए हैं, आप गलत हो। ऑप्शन 3 जो है वो इनिशिएट अ डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडियाज। एक अच्छा टीचर डिस्कशन डिस्कस करेगा बच्चों के साथ, आपस में बच्चों को डिस्कस करने देगा कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसमें उससे क्या क्या और उसके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, क्या उनका आपस का जब वो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी जब वो आपस में डिस्कस करेंगे, टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, तो ऑफकोर्स उनका लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो एक अच्छा टीचर उनके रिस्पॉन्सेज के लिए इस तरीके से डील करेगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन द स्टूडेंट कैन रीच अ डिसीजन और टू एक्सचेंज आइडिया। अगला क्वेश्चन है जो उसी पैराग्राफ से लिंक्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक एवेपोरेशन। एवेपोरेशन टॉपिक पर, विषय पर बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग को जानने के लिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। सो ऑप्शन 1 इज, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल, अगर जल चक्र नहीं होता तो क्या होता। ऑप्शन 2, लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए।
जो भी स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के, ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, राइट फाइव एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए सिर्फ लिस्ट कर देने से, लिख देने से, ड्रॉ करने से या फिर एडवांटेजेस लिखने से उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग का पता नहीं चलता। उसके लिए आप उनसे जब क्वेश्चन पूछेंगे लाइक व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल, तो बच्चे उसको सोचेंगे, वो उसके प्रोसेस पर जाएंगे, कहाँ से शुरू होता है, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब उनके दिमाग में चलेगा। सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बच्चा हर डायरेक्शन में सोचेगा। इट इज अ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईवीएस सिलेबस स्ट्रक्चर अराउंड सिक्स थीम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो टॉपिक है उसे जानबूझकर फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले जो चैप्टर है उसमें डाला गया है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी साइटेड एज रीजंस फॉर दिस इंक्लूजन एक्सेप्ट वन। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। सो वह कारण कौन सा है जो नहीं है? सो टू हेल्प स्टूडेंट टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि बच्चों को हेल्प करने में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इसलिए डाले गए ताकि वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी समझें। टू हाईलाइट हाउ ह्यूमंस शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विथ ईच अदर। यस, इससे ह्यूमंस का भी एनिमल्स के साथ, काफ़ी एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके साथ काफ़ी एक रिलेशन होता है जो लोग घरों में अपने पेट्स को रखते हैं। टू हाईलाइट हाउ लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ सम कम्युनिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड विथ स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स, कि कुछ समुदाय के जीवन और उनकी जो आजीविकाएं हैं वो विशेष जो एनिमल और प्लांट्स से जुड़ी हुई हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ साइंस परस्पेक्टिव, कि साइंस के परस्पेक्टिव यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पक्षियों को समझने में सक्षम बनाना। तो ये जो ऑप्शन फोर है ये तो कोई साइंस परस्पेक्टिव से इसको बताने का कोई मतलब नहीं, इसलिए ईवीएस में नहीं डाला है, और वो भी फैमिली और फ्रेंड्स में एनिमल्स और प्लांट्स को जो डालने का जो रीजन है वो ये तीनों हम कह सकते हैं कि हैं, लेकिन ऑप्शन फोर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन फोर है एक्सेप्ट द ऑप्शन फोर, ऑल अदर्स आर द रीजन फॉर द गिवन इंक्लूजन ऑफ टॉपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसके अलावा मैं एक बता देती हूँ कि थर्ड से फिफ्थ तक जो क्लास है उसमें जो ये सिक्स थीम्स की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ईवीएस के सिलेबस में, सो जो सिक्स कॉमन थीम्स हैं, द प्रीडोमिनेंट थीम ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स इनकम्पाइजेज या कंप्राइजेज द फोर सब थीम्स। सो ये सिक्स थीम्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो आपने देखा होगा आपके सिलेबस में है जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स के ये उप विषय हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिसाइल एनिमल अमंग द फॉलोइंग, दिस इज यूपेलेक्टला, काइटन, लीच एंड इक्नस। सो मैं आपको बता देती हूँ ससाइल एनिमल्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। सो ससाइल ऑर्गेनिज्म स्टे एट वन प्लेस, वेयर एज जो मोटाइल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर दे आर मोबाइल, मीन्स दे कैन मूव। सो द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मोटाइल, बट दे मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लाइक जो कोरल है, स्पॉन्जेस हैं, ब्रेंकल्स हैं एंड मोस्ट ब्रांचिपोड्स हैं, वो ससाइल्स हैं, मतलब वो मूव नहीं होते, एक जगह पर ही रहते हैं। सो ये आप देख सकते हो कि ये जो कोरल्स होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ससाइल ऑर्गेनिज्म। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा याद रखने वाली बात है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है यूपेलेक्टला, बिकॉज यूपेलेक्टला इज जीन्स दैट कंटेन्स स्पॉन्जेस फ्रॉम द सी। सो काइटन, लीच और इक्नस जो हैं वो मूवेबल हैं, मोबाइल हैं, मूव करते हैं। सो सेसाइल एनिमल्स में यहाँ पर आंसर आएगा आपका यूपेलेक्टला। सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ अनुन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, यानी आप सर्वे करते हैं तो एक कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं। टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो डिफरेंट लोगों के विचार आपके सामने आते हैं,
तो बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं अलग अलग लोगों से. टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, सर्वे के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आप, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मर है, उससे आप डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. एंड टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी आपने सर्वे किया है, उस सर्वे को, उस आकलन को आप एक अवसर के रूप में भी यूज कर सकते हैं. तो सर्वर के अगर पर्पस की बात करें तो ये चारों ही जो ऑप्शंस हैं वो एक पर्पस को फुलफिल करते हैं. सो अगर हम देखें तो विच ऑफ द अबाव आर करेक्ट, तो इनमें से ए बी सी डी ऑप्शन वन है जो चारों ही ऑप्शन को करेक्ट बताता है. सो ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू ऑप्शन ए एनी फैमिली बॉर्न आफ्टर 1950, ऑप्शन बी फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ऑप्शन सी एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन डी ओनली हस्बैंड एंड वाइफ. तो दो टाइप की फैमिली जनरली हमारे, हमें, हमने पढ़ी हुई होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली. तो ज्वाइंट फैमिली वो होती है जिसमें आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स यानी बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स सभी रहते हैं. सो ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही, ऑप्शन ए जो है जिसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो भी फैमिली 1950 के बाद बॉर्न हुई है, तो ऑप्शन ई तो वैसे भी बिल्कुल नहीं हो सकता. ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, अगर बच्चे नहीं है तो वो न्यूक्लियर फैमिली कैसे होगी. एंड अगर ये ऑप्शन सी है वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा ज्वाइंट फैमिली का. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अरावली, एप्लेशियन, यूरल और किलिमंजारो. सो ऑप्शन आंसर के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पर्वत यानी कि जो माउंटेन है पहले तो वो क्या होते हैं. सो माउंटेन बेसिकली, माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज हाई अबाउ द सराउंडिंग टेरेन इन अ लिमिटेड एरिया. एंड जो माउंटेन्स हैं दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से, रॉक्स एंड अर्थ. एंड जनरली जो माउंटेन्स हैं दे आर हायर देन 600 मीटर. अगर वो 600 मीटर के से कम होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज हिल्स. एंड देर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. तो जो फाइव मेन टाइप्स हैं वो है वॉल्केनिक, फोल्ड, प्लेट्यो, फॉल्ट ब्लॉक एंड डोम. सो वॉल्केनिक जो माउंटेन जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, सो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं दे आर स्पेशल क्लास ऑफ माउंटेन्स. एंड दे आर फॉर्म व्हेन मॉल्टन रॉक फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ के जब लावा फटता है ना, तो अर्थ के अंदर से जब पिघली चट्टानें बाहर निकलती हैं, दैट इरप्ट्स थ्रू द क्रस्ट एंड पाइल्स अप ऑन इटसेल्फ, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक इकट्ठा होती जाती हैं, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं. एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं वो भी तीन टाइप के हैं. सिंडर कोन्स जिन्हें हम स्पैटर कोन्स बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनोस जिन्हें हम स्ट्रेटो वॉल्केनोस भी कहते हैं, और स्ट्रेटो वॉल्केनोस का जो एग्जाम्पल है वो है किलिमंजारो एंड माउंट फुजी. एंड शील्ड वॉल्केनोस, तीसरा है शील्ड वॉल्केनोस. तो पांच मेन टाइप के माउंटेन्स हैं और थ्री टाइप के ये वॉल्केनोज हैं. तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, किलिमंजारो जो है वो वॉल्केनो माउंटेन है. इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं. सो ये माउंट किलिमंजारो का पिक्चर है. सो दिस इज अ डोरमेंट वॉल्केनो. डोरमेंट वॉल्केनोज आर वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन नियर फ्यूचर. सो ये तंजानिया में है. इसकी भी तीन कोन्स हैं, वॉल्केनिक कोन्स हैं, किबो, मबनजी एंड शीरा. एंड दिस इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन अफ्रीका. किलिमंजारो नेशनल पार्क जो है वो नेचुरल हेरिटेज साइट है 1987 के बाद से, क्योंकि उसकी जो एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ पे काफ़ी रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल की स्पेशीज है. अरावली हमें पता ही है, अरावली जो रेंज है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है, राजस्थान में है, और अरावली की जो हाइएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर. एप्लेशियंस जो है दे आर सिस्टम ऑफ माउंटेन्स इन ईस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है ये. एंड यूरल्स जो है वो दे आर ऑल्सो माउंटेन रेंज इन रशिया में है. एंड ये काफ़ी मिनरल रिच है पूरे वर्ल्ड में ही. एंड दे कंटेन मोर देन 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स. सो ये तो था सभी ऑप्शन के बारे में. अगला क्वेश्चन है जो महाराष्ट्र से है वो अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं. एलिफेंटा जो द्वीप है, एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड एट कच्छ तट, मुंबई तट, गोवा या गंगा डेल्टा.
सो एलिफेंटा जो केव्स हैं वो बेसिकली मुंबई कोस्ट में यानी मुंबई तट पे हैं। सो इसका ऑप्शन जो टू है वो है इसका आंसर। सो ये एलिफेंटा का जो केव्स है वहाँ का एक पिक्चर है। मुंबई में लोकेटेड है ये अरेबियन सी पर। सो दे आर अ कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा से वहाँ पर रिलेटेड काफ़ी सारे स्टैचूज बने हुए हैं और जो भी केव्स हैं वो लॉर्ड शिवा के ऊपर ही हैं। 34 अराउंड केव्स हैं और ये जो एलिफेंटा केव्स हैं इन्हें डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज 70 to 200 cm, 50 to 150 cm, 150 to 200 और 70 to 100। तो इसके लिए आपको जितने भी टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे इसका मैं बता देती हूँ, जो आंसर है वो इसका वन है, 72 to 200। बट मैं याद करने का आपको इस तरीके जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका तरीका बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि जो वेजिटेशन के जो टाइप हैं और जो क्लाइमेट के रीजन हैं उनके बेसिस पर जो इंडियन फॉरेस्ट है उनको इन टाइप में डिवाइड किया गया है। सो जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब जहाँ हमेशा हरियाली रहती है तो वो अबाउट 200 cm वहाँ पे रहता है लेवल। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो 100 से 200 के बीच में रहता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो बहुत ही कम बारिश जहाँ पे होती है, लेस देन 50 cm। माउंटेन एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये तो पांच टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो किस पर बेसिस होते हैं, जो वहाँ का वेजिटेशन टाइप है और क्लाइमेट का रीजन है। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। सो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं उन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और दे स्प्रेड ओवर द रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 cm। ये हमने देखा ही। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी जो मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो रेंज है वो है 70 to 200। बट अगेन ये जो रेंज है वो अगेन क्लासीफाई की गई है डिपेंड यानी कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पानी के हिसाब से। तो जो मॉइस्ट है जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है थोड़ा वहाँ पे जो रेनफॉल है वो रहता है 100 से 200 cm यानी थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा होता है। और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है दैट कवर्स वास्ट एरियाज वेयर रेनफॉल रेंजेस, जहाँ पे 70 to 100 के करीब जो बारिश होती है वो आते हैं आपके ड्राई डेसिडियस में और 100 से 200 के बीच की जो रेंज है वो आती है आपकी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो ये तो हुआ इनके बारे में। एंड इंडिया हैज़ अ रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेंट्स। अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरियाज अंडर पैडी कल्टिवेशन, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ये जो चावल होता है वहाँ की खेती ज़्यादा होती है। एंड जो चिलिका लेक्स है उड़ीसा में और केवला देव नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड एज वाटर फाउल हैबिटेंट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रामसर कन्वेंशन। तो एक ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। सो ये इससे आप और कनेक्ट कर पाएंगे। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, रेंज जो होती है अबाउट 200 सेंटीमीटर होती है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं काफ़ी डेंस है बिकॉज ऑफ रेन। एंड ये है डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे ये इस टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट रहेंगे। ये है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पर लेस देन 50 cm रेनफॉल रहता है। आप देख सकते हैं झाड़ियाँ जनरली जो रहती हैं सूखा जहाँ पे रहता है। ये है माउंटेन फॉरेस्ट जो एक और टाइप फोर टाइप के जो फॉरेस्ट थे जो पहाड़ियों में जो माउंटेन्स में जो जनरली पहाड़ों पर होते हैं। एंड ये है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ए फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन। तो परिवार एक इकाई है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ दो बच्चों के बेसिस पे तो नहीं कह सकते कि सही है। सो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एक फैमिली को सिर्फ दो बच्चों के हिसाब से हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं एंड परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
तो बाकी जो टू और थ्री हैं वो तो स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकते आइडियल फैमिली साइज के बेसिस पर, या फिर इंडियन फैमिली ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता। एंड ऑप्शन फोर है, वो बता रहा है कि स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल, तो ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजिकल के बेसिस पे ये गलत नहीं है, ये गलत है क्योंकि फैमिली को किसी एक प्रकार के में ही वर्गीकरण या क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन वन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फैमिली जो यूनिट है, फैमिली जो चैप्टर है, वो टेट के एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज लाइक न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट, आपको सबको पता है। एंड वन कैन नॉट क्लासिफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड, एक टाइप से हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। जो कुछ टाइप की जो फैमिली है वो एक्सटेंडेड फैमिली है, मैट्रिलोकल यानी मातृस्थनीय, पैट्रियोकल मीन्स पितृस्थनीय, और नियोलॉजिकल फैमिली भी होती है नियोलोकल। सो देयर आर पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल एंड नियोलोकल, तीन टाइप की फैमिलीज भी होती हैं। पैट्रिलोकल या पैट्रिकलिटी जो है, व्हेन कपल लिव्स विद मेल्स फैमिली आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो कपल है, जो विवाहित जोड़ा है, वो मेल की जो फैमिली जो हमारे समाज में एक्सेप्टेड है जनरली, लड़कियां अपने ससुराल यानी अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ उनके जो घर है उसमें रहती हैं, तो वो हो जाती है पैट्रिलोकैलिटी। मैट्रिलोकैलिटी इज व्हेन अ कपल लिव्स विद फीमेल्स फैमिली आफ्टर मैरिज, जो जनरली हमारे हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता है। तो जो शादी के बाद जो लड़की की जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो कपल है वो रहता है, उसे बोलते हैं मैट्रिलोकैलिटी। न्यू लोकैलिटी इज व्हेन अ कपल चूज टू लिव ऑन देयर ओन आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद जो कपल है, जो विवाहित जोड़ा है, वो ना तो हस्बैंड की फैमिली के साथ, ना ही वाइफ की फैमिली के साथ रहकर अपना एक अलग से खुद इंडिपेंडेंट घर बनाते हैं। तो जो न्यू लोकल रेजिडेंस होता है वो न्यूली फॉर्म्ड कपल्स फॉर्म यानी बनाते हैं देयर ओन सेपरेट हाउस होल्ड यूनिट, अपना खुद का इंडिपेंडेंट घर बनाते हैं, और उसे और उस घर में जो लोग रहते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास थर्ड हैड आस्क्ड चिल्ड्रन टू क्लासिफाई द लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। एक टीचर बच्चों को बोलती है, थर्ड क्लास के बच्चों को, पेड़ पौधों की बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके उनको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, जैसे लेमन, मैंगो, वेसिल, मिंट, नीम, बनाना, ऐसे डिफरेंट टाइप की उनके पास पत्तियां हैं। तो कुछ जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पत्तियों का जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो पत्तियां जो हैं वो दवाओं वाली जो हैं, दवाओं के गुणों वाली जो पत्तियां हैं। कुछ स्टूडेंट मेडिसिनल वैल्यूज के हिसाब से कि ये मेडिसिनल वैल्यूज देती हैं और ये विदाउट मेडिसिनल वैल्यूज वाली पत्तियां हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं जो एक ग्रुप बना दिया टीचर ने। और दूसरा जो बच्चे हैं वो पत्तियां छोटी हैं या बड़ी हैं उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो इन दो जो रीजन है उसको टीचर ने राइट एक जो ए जो राइट ग्रुप और रॉन्ग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द टीचर्स व्यू ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। तो टीचर का क्या व्यू है लर्निंग और असेसमेंट के हिसाब से, कि बच्चों ने जो पत्तियां उन्हें दी वो मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से क्लासिफाई की या स्मॉल या बिग के हिसाब से क्लासिफाई की। तो ऑप्शन वन इज चिल्ड्रन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन क्लासरूम विच इज टू बी अप्रिशिएटेड, कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लाते हैं जिन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। चिल्ड्रन कैन यूज मल्टीपल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस। चिल्ड्रन काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे तरीके यूज करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो शिक्षक ने क्या किया है, शिक्षक ने तो जो दो जो रीजन है उसके हिसाब से एक राइट ग्रुप डिसाइड कर दिया और एक रॉन्ग ग्रुप डिसाइड कर दिया। तो चिल्ड्रन के जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं वो तो टीचर अप्रिशिएट नहीं कर रही है, ना ही जो उनके एक्सपीरियंस है उनको वो मोटिवेट कर रही है। क्लासिफिकेशन टास्क इज वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड एंड देर इज वन राइट आंसर। सो टीचर के हिसाब से जो क्लासिफाई करना था वो काफ़ी स्पेसिफिक है और स्ट्रक्चर्ड है, और एक ही राइट आंसर है क्योंकि टीचर ने तो एक ग्रुप को सही ग्रुप कहा है और एक ग्रुप को गलत ग्रुप कहा है, जबकि ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं कि
किस बेसिस पे जो लीव्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाए। बच्चों ने अपने हिसाब से किया लेकिन टीचर ने उसका एक स्पेसिफिक आंसर बना लिया, तो जो टीचर का जो व्यू है लर्निंग और असेसमेंट के हिसाब से, वो काफ़ी, जो ये क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी स्पेसिफिक था और स्ट्रक्चर था। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। द एक्टिविटीज फोकस्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लीव्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। तो इसका तो कुछ मतलब है नहीं कि पत्तियों से इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो ऑप्शन 4 तो वैसे भी कहीं लाई नहीं करता है। तो आंसर जो 3 है वो इसका सही आंसर है। टीचर्स का जो व्यू है लर्निंग और असेसमेंट का, क्यों? क्योंकि उसने क्लासिफाई को स्पेसिफिक कर दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इस पत्तियों की जो बड़ी साइज है छोटी साइज से क्लासिफाई किया जिन बच्चों ने, उन्होंने वो गलत किया है, ऐसा नहीं है। वो भी अपने हिसाब से सही है लेकिन टीचर के हिसाब से वो एक गलत ग्रुप साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी अप्रोप्राइट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सोशल पर्सनल क्वालिटीज के लिए सिर्फ पेपर पेंसिल पे टेस्ट करने से तो उनकी स्किल्स ऑफकोर्स जाहिर नहीं होती। पेपर पेंसिल पर तो जो बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है वो भी पेपर पेंसिल पे एक अच्छा कर सकता है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ओरल क्वेश्चन, यस इट कैन बी, बट वी नीड टू सी अदर ऑप्शन ऑल्सो। एंड ऑप्शन 3 है रेटिंग स्केल। रेटिंग से तो आई डोंट थिंक कि उससे सोशल पर्सनल उनकी स्किल क्वालिटीज पता चलेगी। एंड असाइनमेंट्स तो सेम काइंड ऑफ पेपर पेंसिल वाला टेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन जो 2 है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ओरल क्वेश्चंस आर द बेस्ट टूल्स फॉर असेसिंग द सोशल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन इंगेज इन लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट थ्रू ग्रुप वर्क। क्योंकि ओरल जो एग्जाम होता है वो काफ़ी स्कूल्स में एज अ प्रैक्टिस लिया जाता है। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस बच्चे के सामने रखते हैं इन स्पोकन फॉर्म, यानी ओरली पूछते हैं, और बच्चे को यानी स्टूडेंट को जवाब देना होता है ओरल ही, यानी कि बोलकर ही, और बताना होता है कि उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सफिशियंट नॉलेज है। सो ओरल क्वेश्चंस आर द बेस्ट टूल्स, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ चिल्ड्रन अबाउट प्लांट्स। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजनाभूत विचार दिए गए हैं। विच ऑफ देम इज साइंटिफिकली करेक्ट? इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? सीड्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स। ग्रास इज नॉट प्लांट। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स। तो ये कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक जो ऑप्शन 4 है कि कैरेट एंड कैबेज तो वेजिटेबल्स हैं तो वो प्लांट नहीं कह सकते, ग्रास को प्लांट नहीं कह सकते, सीड्स को प्लांट नहीं कह सकते, पार्ट ऑफ प्लांट नहीं है। एक जनरल वे में एक लेमेन जो आदमी वो भी कह सकता है, बट साइंटिफिक दृष्टिकोण से सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, कि कुछ जो सब्जियां हैं वो फल होती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो, ये जो विचार है ऑप्शन 4 वाला विचार, वो एक वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो मैं इसके बारे में आगे आपको बता देती हूँ कि ये जो है कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो फल क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, एक पार्ट का, प्लांट का पार्ट होता है जो सीड्स कंटेन करता है, दैट कंटेन सीड्स। एंड अदर पार्ट्स ऑफ जो प्लांट्स हैं वो होते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन्स द सीड्स। जो फ्रूट वाला पार्ट है उसके अंदर सीड्स होते हैं, बाकी जो पार्ट है उसे हम वेजिटेबल कहते हैं। तो वेजिटेबल में क्या हो सकता है, प्लांट की स्टेम्स हो सकती हैं, लीव्स हो सकती हैं, रूट्स हो सकती हैं। कैसे, जैसे एवोकाडो है, कॉर्न है, क्यूकम्बर है, नट्स हैं, पम्पकिन है, सनफ्लावर सीड्स हैं, टमाटो हैं, ये बेसिक टेक्निकली फ्रूट हैं। ये टेक्निकली प्लांट के क्या है, फ्रूट हैं। वेजिटेबल क्या है, जैसे सेलरी है वो स्टेम होती है, लिट्यूस है वो लीव्स होती है उस प्लांट की, कॉलीफ्लावर फ्लावर और जो ब्रोकली होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, जो कैरेट है, रेडिश है, पटेटो है, वो क्या होती हैं, प्लांट की रूट होती हैं। एज एक्चुअली हम उसको वेजिटेबल कहते हैं लेकिन प्लांट की वो क्या होती है, रूट्स, वो सॉइल के अंदर होती हैं ये सब्जियां।
तो इसलिए वो रूट्स में आती हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि जो टमाटो है वो वैसे वेजिटेबल है लेकिन प्लांट के लिए वो उसके फ्रूट वाला पार्ट है. अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास फोर्थ टोल्ड हर स्टूडेंट. कक्षा चार की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है, आस्क सम ओल्ड पीपल इफ देयर वर प्लांट्स दे हैड सीन विच दे वर यंग बट आर नॉट सीन दीज डेज. कुछ वृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वो जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट लाइकली टू बी असेस्ड बाई आस्किंग यूनिट बाई आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो ऐसा क्वेश्चन पूछने से कौन सी जो कौशल है, कौन सी जो स्किल है, उसकी आकलन की संभावना नहीं है. तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चनिंग तो ऑफकोर्स आप जाकर, मतलब टीचर ने बोला है तो बच्चे जाकर बोलिंग करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे, अपना क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेंगे. बट जो एक्सपेरिमेंटेशन है, डिस्कस करेंगे उन लोगों से, यानी प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ टीचर ने बोला और बच्चों ने जाकर उन वृद्ध लोगों से पूछा, क्वेश्चनिंग किया, क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया और उनसे डिस्कस किया, यानी उनसे आंसर लिया. लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे खुद अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. सो जो एक्सपेरिमेंटेशन वाली जो स्किल है, दैट इज नॉट लाइकली टू बी असेस्ड बाई आस्किंग दिस क्वेश्चन. So by asking this question, students will not do any experiment by themselves, but they will do this activity through discussion and questioning methods. अगला क्वेश्चन है, read the following question. निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए. How well did I plan for the activity? मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? What were my strength? मेरी strength क्या थी? What exactly did I find difficult? मुझे सचमुच में difficult यानी कठिन क्या लगा? So answer to the above four types of questions will comprise. ठीक है? तो समय summative assessment by the teacher, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, children's self assessment बच्चों का स्व आकलन, teacher self assessment शिक्षकों का स्व आकलन, self assessment of children and teachers both. तो ये जो स्टेप्स है ना, ये जो चार स्टेप्स हैं, अगर हम सीक्वेंस में देखें कि हाउ वेल डिड आई प्लान फॉर द एक्टिविटी, मैंने एक्टिविटी कैसे प्लान की, उस एक्टिविटी को कैसे फॉलो किया, और उसको फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है. ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से. तो दिस इटसेल्फ इज अ असेसमेंट प्रोसेस. तो ये जो है वो प्रोसेस, इसको जब अगर चिल्ड्रन के लिए तो है ही सेल्फ, लेकिन टीचर और चिल्ड्रन दोनों के लिए है, इससे टीचर का भी सेल्फ असेसमेंट होगा. सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप मोस्टली इसका आंसर टू करेंगे, चिल्ड्रन सेल्फ असेसमेंट, बट ये दोनों का होगा, टीचर और चिल्ड्रन दोनों का. तो आंसर फोर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनका जो प्लान है दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई टीचर, जो प्लान है उसे तो स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्लान है उसे इम्प्लीमेंट तो टीचर ही करेंगी. सो द क्वेश्चन असेसेस, जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों को असेस करेंगे, टीचर और बच्चा दोनों. अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा should be technical and formal, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए. I think ये तो ऑप्शन वन पढ़ के तो आप वैसे इसे डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि EVS में हम एक सराउंडिंग से रिलेटेड, अपने जो अब सराउंडिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ते. should be related to everyday language of the child, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए. should be and difficult for children to comprehend, रूखी और बच्चों की तरह समझने में difficult यानी कठिन होनी चाहिए. of course option 3 भी नहीं हो सकता. should be formalized with emphasis on definitions, सिर्फ definitions पे ही बल देना चाहिए.
तो डेफिनेशंस पढ़ने से तो ईवीएस नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ही नहीं होता। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर क्या हो सकता है कि बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की जो भाषा है उससे संबंध होना चाहिए। द लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक शुड बी एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ताकि इट विल बी इजी फॉर द चाइल्ड, यानी बच्चे के लिए समझना काफी आसान हो एंड इससे उनकी लर्निंग जो है वो भी काफी बढ़ेगी। क्योंकि जब कोई हमारी लैंग्वेज में, जिससे सबकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, जब कोई हमारी लैंग्वेज में किसी बात को समझाने की कोशिश करता है किसी चीज को, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, ना कि आपको टेक्निकल टर्म्स में अगर कोई बताए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। अ टीचर गिव्स पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और बच्चों को कहता है उन पशुओं पर रंग भरने को, जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, ठीक है, उनको कलर्स करना है। इस क्रियाकलाप, यानी कि ये जो एक्टिविटी है, इसका क्या उद्देश्य होता है? हो सकता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू डेवलप क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने उन्हीं एनिमल्स को कलर करने के लिए बोला है जिनमें, जो घर में नहीं रहते, यानी कि घर में नहीं रहते इट मीन्स दे आर वाइल्ड एनिमल्स, या फिर डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह का विकास करना। तो डिफरेंट एनिमल्स पिक्चर्स, एनिमल्स की पिक्चर्स दी है, तो इसका ऑफकोर्स क्रिएटिविटी बच्चों की दिखेगी, ऑब्जर्वेशन दिखेगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही वो क्लासिफाई कर पाएंगे, और क्लासिफिकेशन स्किल तो है ही कि कौन से एनिमल्स कौन वाइल्ड एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, दे लिव अराउंड अस और दे लिव एट आर होम्स, पेट एनिमल्स। डेटा कलेक्शन तो इससे टीचर क्या ही डेटा कलेक्ट करेगी, डेटा संग्रह का विकास तो ऑफकोर्स इससे कुछ भी डेटा कलेक्ट टीचर नहीं कर पाएंगी। तो ऑप्शन ए बी सी इज शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए बी सी कहीं है तो ऑप्शन टू में है, तो ए बी सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन टू हुआ। सो बाई ऑब्जर्विंग डिफरेंट एनिमल्स थ्रू कलरिंग देयर पिक्चर अ चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। सो कलरिंग जो पिक्चर्स है, जो मतलब पिक्चर्स जब करेंगे, कलर करेंगे बच्चे डिफरेंट एनिमल्स के, तो इससे बच्चे की काफी सारी स्किल्स को डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। बच्चे क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और उनकी जो कलरिंग, जो पैटर्न ऑफ कलरिंग है, या जो किस किस का टाइप के वो कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, उससे उनकी क्रिएटिविटी भी नजर आएगी। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा का जो जो पिक्चर अगर आपने दी है, हर बच्चा का जो कलर कंट्रास्ट है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से वो कलर करते हैं, वो सेम हो। हर बच्चा अपना एक कुछ ना कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का, हिमालय का, या शान पठार का। तो ये तो डर्न वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज सोचने का कोई मतलब नहीं है। सो आंसर वन जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है वो एक्सटेंशन है इंडियन पेनिसुलर प्लेटो का, जो असम में है। एंड ये जो एरिया है, यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है फ्रॉम साउथ वेस्ट समर मानसून, फ्रॉम जून थ्रू सेप्टेम्बर, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 300 मीटर से 400 मीटर के करीब है। एंड कार्बी एंगलोंग जो है प्लेट्यू, जो है, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पीर शेप का है एंड 7,000 किलोमीटर के करीब इसका एरिया है, एंड मेघालय प्लेटो से ये कनेक्टेड है। सो इसका जो आंसर वन है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो ये थे टैट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप ये आपको काफ़ी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, आपको समझने में इस ईवीएस सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोशिश की है, आसपास के ऑलमोस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेशन ही दी है, ताकि आपको वो टॉपिक ही तैयार हो जाए। सो गुड लक, थैंक यू।